जिसको भी ये लगता है, वॉट एवर मतलब मेरे अगेंस्ट स्काउट ने बोला था इन दैट स्पेस, जो भी चीज हुआ था, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है उसके, मतलब एक दो बंदों को जिसने ज्यादा बार बार ट्वीट करके टैग करके कि तूने ये क्यों बोला या फिर ये चीज, उस बंदे से मेरी बात 2022 से हो रही थी, ठीक है, मतलब मेरी इतनी कॉन्वर्सेशन हुई है उससे ऑलमोस्ट, तुम अगर स्क्रॉल करोगे ना तो 30 to 30 पेजेस ऑफ कॉन्वर्सेशन हुए हैं, इतने कॉन्वर्सेशन उसको हुए, उसको समझाने के कॉन्वर्सेशन हुए कि तू एक इन्फ्लुएंसर है, यू आर इन्फ्लुएंसर, यू शुड बिहेव लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दैट, यू आर नॉट डूइंग राइट, यही सारी चीजों पे फ्रॉम 2022 जब वो स्ट्रीम हुई थी ना, वो सारी चीज पे जब फर्स्ट टाइम वो क्या कहते हैं तुम्हारा गिल एंड वीरू आए थे यहाँ पे, तब से इवन ड्यूरिंग BGIS उस बंदे ने मुझे मुझसे कॉल पे 30 मिनट्स कॉल पे बात की है, उसका भी SS अभी डाल सकता हूँ, 30 मिनट्स कॉल पे बात की थी, टेलिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, क्या क्या चीज हुई थी क्या नहीं हुई थी या फिर ये सारी चीजें, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट या फिर ये गवर्नमेंट से जो मीटअप हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, कई सारी चीजों पे डिस्कशन एंड ऑनेस्ट ओपिनियन दिया था उसने जब उस कॉल पे बात हो रही थी, ठीक है, इवन ही सेड कि यू हैव अ वॉइस, यू शुड जॉइन सम ऑर्ग या फिर ये सारी चीजें होनी चाहिए, एंड मतलब ये सारी चीजें बोलनी, वो उसने मुझे बोला था कि तुमको कोलैब करना चाहिए विद इधर विद हिम अपने साथ भी या फिर समवन एल्स, और ये सारी चीजें तुम बड़े स्टेप पे कर सकते हो बिकॉज यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल, दिस वॉज ए स्टेटमेंट इन दैट कॉल, और वो सारी चीज कि उन लोगों का जो गवर्नमेंट मीटअप हुआ था वो किस चीज के लिए हुआ था, वॉज इट इफेक्टिव और नॉट, ये सारी चीजें भी डिस्कस, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं था इतने दिन से ये सारी चीजें बताने का या फिर ये सब, बट कुछ बंदों को लगता है कि नहीं, इफ आई एम सेइंग समथिंग तो ये सारी चीजें बस ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है, आई हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट कॉल, पूरी कॉन्वर्सेशन जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है ना 30 पेज की कॉन्वर्सेशन, उसका भी स्क्रीनशॉट डाल सकता हूं बट मुझे नहीं डालना। एक बंदा अभी भी और का पार्ट है, दैट इज मावी, एक भी ट्वीट नहीं आई, एक भी चीज नहीं आई अभी तक, ये सारे के सारे बंदे सबके सब लाइव पर रिएक्ट कर रहे होते, दूसरे का मैटर होता ट्वीट कर रहे होते, ठीक है, सारे के सारे एक साथ आते हैं, इनका एक इको चैम्बर है, सबके सब एक साथ आते हैं, इसमें ये है वो जी वाला है, जी का ओनर, जी के मैं बताता हूँ राहुल हिंदुजा का ट्वीट, राहुल हिंदुजा का मैं ट्वीट पढ़ता हूँ रिलेटेड टू न्यू, ये फिक्सेस ने ट्वीट किया रिलेटेड टू न्यू कि गॉडलाइक ऑर्गेनाइजेशन और कार्निवल ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है बिकॉज दे वर नॉट एबल टू टीच हिम या फिर जो भी चीज थी इस रिलेटेड ऐसी चीज थी, तो डस एसटीएल ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी चीजें ब्लेम जाना चाहिए था कि नहीं जाना था, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स स्काउट वाज पार्ट ऑफ इट और मावी तो भी लास्ट 3 इयर्स उसका पार्ट है या फिर ये जी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फिक्सेस ने तो इतना डिसअपॉइंट किया है ना, इतना ज्यादा डिसअपॉइंट किया, मेरा फेवरेट एनालिस्ट था भाई, टू बी ऑनेस्ट आई सुपर जॉनी, मतलब मेरी नजर में इवन रॉकी बॉट इज पार्ट ऑफ गॉड लाइफ, ठीक है, वो कभी कभी ओपिनियन उसने भी दिया है, बट आई सुपर जॉनी ने कभी कोई भी इन सब चीजों में पढ़ा नहीं, वो बंदा जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश कास्टिंग डेस्क पे होता है तो उसकी कम अप्रिशिएशन है या फिर ये सारी चीजें, ठीक है, बट उस बंदे ने, और वो सबसे पुराने कास्टरों में से एक है, वो अभी से नहीं बहुत पहले से, फिर भी एक भी कॉन्ट्रोवर्सी एक भी चीज में कोई भी स्टेटमेंट नहीं, कोई भी फार्मिंग नहीं, कुछ भी नहीं करना, या तो ब्रूटल या वो सबको सेम नजरिए से देखो, ये पार्शियलिटी वाला या बायसनेस वाला जो भी व्यूज देते हैं स्पेशली फिक्सेस, दिस इज फॉर यू, ठीक है, ओपनली बोल रहा हूँ, यू हैव बीन अ हिपोक्रेट फॉर लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है, एक साइड के लिए कुछ और व्यूज, एक साइड के लिए कुछ और, ये फेक सार्कास्टिक अपॉलजी, टेक इट एट योर होम, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए यहाँ पे, वी वो पॉइंट आउट करना वाज नॉट पार्ट ऑफ एनी अपॉलजी, और मैंने उसे का नाम से इसलिए हटाया, फिर वो ट्वीट इसलिए की बिकॉज मैं उसके बारे में ही बात करूंगा, इट डजंट मैटर कि ही कॉल्ड मी या फिर मेरी बात हुई या फिर ये सारी चीजें, ही आल्सो डन द सेम थिंग इन पास्ट, वो सिर्फ इस वजह से मैंने उस चीज को इग्नोर किया बिकॉज ही उसका आज प्रो कबड्डी का स्टार्ट था, आई डिडंट वांट टू स्पॉइल हिज मूड, बट नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली क्वेश्चन, क्योंकि भाई तुम पंक के बारे में कुछ दिन पहले ट्वीट कर रहे थे, कोरिया से तुम वो सारी चीजें कर रहे थे, ठीक है, और जो बाकी भाई और स्पेरो का नाम मैंने ज्यादा मुझे पता नहीं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, तो इसलिए मैंने उसका नाम भी हटा दिया था, रही बात रुशिंद्र सिन्हा जी ओनर या फिर ये राहुल हिंदुजा, मतलब अरे ग्रो अप गाइस, अपॉलॉजी मांगते मांगते थक गए होगे क्योंकि बिकॉज तुम्हारा हिपोक्रेसी ये ग्रुपिज्म, ठीक है, इको चैम्बर में रहना, थोड़ा ग्रो अप, एटलीस्ट थिंक अबाउट, एटलीस्ट डू समथिंग कि लगे हाँ अनबायस्ड हो, अगर तुम्हें 80% ऑफ द ऑडियंस बायस कॉल कर रही है तो देयर इज अ रीजन दे आर कॉलिंग यू बायस्ड, इंप्रूव, एंड द बेस्ट पार्ट हैज बीन टिल नाउ कि गॉडलाइक मैनेजमेंट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट इन दिस फील्ड, दे आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज विद एनीवन विदाउट एनी रीजन, बट आई रियली वांट कि जब उनका नाम हो तो दे आंसर इट, इट इज अ टोल्ड दैट दे विल आंसर इफ देयर नेम इज कॉल्ड आउट, और या फिर ये सारी चीज हो रही है, बट इन अदर्स मैटर दे वोंट स्पीक अबाउट, मैं कॉन्ट्रो में किसी के साथ करने नहीं आया हूं, मैं किसी मेरे पे जो तुम एलिगेशंस लगाते हो कि वन साइडेड ये वो योर डिक राइडिंग एसटीएल एंड ऑल ऑफ दैट, चक द करंट मैटर, चक द करंट मैटर, तुमने मेरे ऊपर बायसनेस का टैग लगाया, राइट, यू गिवन मी अ टैग ऑफ बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स एसटीएल एंड शोइंग और गिविंग हेटरेड टुवर्ड्स गॉड लाइक इन जोनाथन, प्लीज गिव योर एलिगेशंस, आई विल आंसर टू एवरी सिंगल वन ऑफ इट, फिर मैं बताऊंगा मैच क्यों ट्रिगर हुआ, ठीक है, तरीके से सुनना, एंड आई होप क्रेविन यू आर हियर, ठीक है, बिकॉज आई थिंक मैं आपने जब मुझे अपने स्पेस पे बुलाया था ड्यूरिंग BGMS, मैं तरीके से गया था और मैंने बहुत प्यार से बहुत इज्जत से आपसे बात करी थी, ठीक है, और वहां भी ये चीज पूछा था कि अगर आपको कुछ भी चीज के रिगार्डिंग पूछना है आई विल टेक योर टफ क्वेश्चंस, तब भी मैंने पूछा था आपसे और वहां पे भी काफी सारे लोग थे, वी हैड अ वेरी सिविल कॉन्वर्सेशन इफ यू रिमेंबर, या फिर कहीं आपके स्पेस में वो रिकॉर्डिंग पड़ी हो तो प्लीज देख लेना, स्पेस मैं क्यों आऊँ तुम्हारे स्पेस पे, इधर बात करो यार, स्पेस पे जाके अच्छा बन के देख लिया, प्यार से तरीके से बात किया, अभी भी आप करके बात करूंगा, शायद आप मेरे से उम्र में बड़े हो, आप करके बात करूंगा, ठीक है, तुम्हारे स्पेस के चक्कर में आपको स्पेस बंद करना है, बंद करो, पूछना है पूछो, अभी पूछो जो पूछना है, मैं कहीं नहीं जा रहा, किस बात के लिए मुझे वहां पे घसीटा गया, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरे को किस बात पे, SS12 के टाइम पे ही डिटॉक्सिफिकेशन होता है, गौतम तुम्हारे को पूछ के मैं सोशल मीडिया डिटॉक्स नहीं लूंगा, आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो, आप मेरे सोशल मीडिया हैंडलर नहीं हो कि आपसे पूछ के मैं क्या ट्वीट करूं क्या ना करूं, ठीक है, क्योंकि मेरे ट्वीट जब आप मेरे डेस्क पे लेके जाते हो प्रॉब्लम मुझे है, आई एम सॉरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, है मेरे को प्रॉब्लम, जब लियो वाली बात हुई थी तब मुंह लेकर घुस जाते गॉडल पर व्यूज के लिए, अच्छा ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेसिंग द न्यू इशू, हाँ मैंने ट्वीट डाला था, क्यों डाला था, वो ऑन स्ट्रीम पब्लिक पे हुआ था, सबके सामने हुआ था और इस चीज को मैंने कंडेम किया था क्योंकि वो गलत था,
एंड इसीलिए मैंने वहां पे बोला था कि हाँ, एक मैनेजमेंट का जब आप एक इन्फ्लुएंसर को लेते हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको सोशल मीडिया पे कहना चाहिए, जो नहीं कहना चाहिए, एंड देन दैट वेंट बियॉन्ड द लाइन। ये पब्लिक पोर्टल पे हुआ था, जो भी स्काउट और मावी का हुआ था वो उनकी पर्सनल मैटर थी जो सामने लाई गई थी, सिंपल बात है, ठीक है। एंड उसके ऊपर भी मैंने बोला यस, जो लोग स्ट्रीम पे थे, कुछ लोग आते थे, मैंने बोला इन्फ्लुएंसिंग यहां पे गलत हुई है, इस चीज को रोका जा सकता था, बंद कमरे में बातें हो सकती थी, कोई अपने पर्सनल लाइफ पे क्या कर रहा है वो अलग चीज है, आप प्रोफेशनल लाइफ जब आप स्ट्रीम पे आ रहे हो, जब आप एक चीज बता रहे हो, यू आर एड्रेसिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर फैंस, ठीक है, समबडी इज आंसरेबल। कल जो हुआ, कल मवी ने जो कुछ भी बोला, एक्स वाई जेड, क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता, आई वाज नॉट देयर इन द कन्वर्सेशन, आई वाज नॉट देयर इन द पार्टी, बट जो चीज न्यू वाले मैटर में हुआ था, ये पूरी दुनिया के सामने स्ट्रीम पे हुआ था, और वो जो चीज गलत था वो न्यू भी एक्सेप्ट करता है, वो गलत था। और वहां पे इसीलिए मैंने बोला कि मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि अगर एक बंदा अगर अकाउंट स्ट्रीम आके कुछ बोल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और ये मैं कोई नेगेटिव डेरोगेटरी तरीके से नहीं बोला, ठीक है, पहली बात। और दूसरी चीज, गॉडल के नाम पे व्यूज लेने आ जाते हो, गॉडल के नाम पे अगर मुझे व्यूज लेने होते या फिर चीज होता, जाके मेरे कोई भी पास्ट स्ट्रीम्स देख लो, कोई भी एनालिसिस स्ट्रीम्स देख लो, कहीं पे थंबनेल पे हो या कुछ भी हो, ऐसे मैंने गॉडलाइक का कुछ डाल दिया हो, या फिर कहीं पे कुछ ये कर दिया हो, वो कर दिया हो, लेने होते मैं बहुत कुछ ले सकता था। मेरे बायसनेस पे तुम सवाल उठा रहे हो, जाके कोई भी मेरे कास्टिंग के क्लिप्स खोल दो, कोई भी मेरे कास्टिंग के क्लिप्स खोल दो, भले वो बीजेएमएस में जहां पे गॉडलाइक ने डाउन परफॉर्म किया था, हमने बोला था कि हां यहां ऐसा ऐसा हुआ, किसी भी प्लेयर को बैच नहीं किया था, ठीक है। एक क्लिप उस टाइम पे जो वायरल हुआ था जॉनाथन का, वो एक 4x प्ले सैनहॉक में आपका, उस बात का किस वे पे तुमने बतंगड़ बनाया मुझे समझ में नहीं आता, वापस से जाके आई डोंट नो इफ आई हैव दैट क्लिप विद मी, मैंने कभी वो क्लिप में स्टोर वो उतना करता नहीं, वापस से आप देख लेना बीजेएमएस पे कहीं पे तो होगा, बहुत सारे टैग्स और मेंशन आए थे वहां पे, देख लेना मेरी वर्डिंग्स क्या थी, जो उसने वो एक 4x प्ले लेफ्ट राइट हुआ था मैंने बोला था, और उस चीज को ऐसे तरीके से पोर्ट्रेट किया गया सॉरी कि मैंने कुछ मतलब टॉन्ट मार दिया, आई वाज नॉट अ टॉन्ट, मैंने बोला कि वहां पे जो टू माइंड्स में चले गए थे डिसीजन मेकिंग में, वो हड़बड़ाहट में वो गलती हो गई, नहीं तो आमतौर ऐसे टी1 प्लेयर्स ऐसे स्प्रे मिस नहीं करते, उस चीज को किस तरीके से डाल दिया गया कि भाई हेट कर रहा है, जिस टाइम पे गॉडलाइक ने अच्छा भी खेला था, कोई कसर छोड़ी थी तारीफ करने की, जहां पे अच्छा खेलते कहीं पे भी, भले वो बीएमपीएस हो, बीएमपीएस में भी इंग्लिश टीम खोल लो, भले वो बीएमपीएस हो या फिर बीजेएमएस हो या फिर कोई भी एक्सवाईजी टूर्नामेंट, अभी ये भी छोड़ दो पुराने में चलो ना, जब गॉडलाइक और या फिर टीएसएम एंटिटी अपने पीक पे थी, एक जगह पे भी कोई कसर छोड़ी हो या फिर कोई हेट हो, मैं किस बात का हेट करूंगा, जितने लोग 10-15 लोग भी आते हैं, मैंने कभी खराब बोला है, कहीं पे भी जॉनी का नाम ऐसे लिया है, जहां पे मुझे लगता है एज एन ई-स्पोर्ट्स एथलीट जो चीज अच्छी कर सकती है, जो मुझे लगा था, मैंने अपना ओपिनियन दिया था, कभी उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कितने लोगों ने कितनी बातें करी है, मैंने हर एक स्ट्रीम पे जाके उस चीज को कंडेम किया कि किसी के पर्सनल मैटर पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे, मतलब आई कंडेम दैट, हैव आई नॉट डन दैट, टेल मी, क्योंकि हर टाइम जब गॉडलाइक खराब खेलती है मैंने जाके पोस्ट डाल दिया, स्टोरी डाल दिया, ठीक है। ये चीज तुम्हें मसाला चाहिए मुझे पता है, आई नो यू गाइस लव योर मसाला, तुम बोल रहे हो कि मैं जॉनाथन को टारगेट कहां पे, एक जगह दिखा दो जहां पे मैंने जॉनी का नाम लिया हो, एक जगह दिखा दो कि जली इज नॉट द प्रॉब्लम, द रीजन इज जॉनाथन, ऐसा कहीं पे बोला तुमने परसीव कर लिया, बस बता देता हूं, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दैट यूज्ड टू हैपन वाज द कांस्टेंट चेंजेस इन द लाइनअप्स, द प्लेयर्स फोर प्लेयर्स जो सिनर्जाइज ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तुम बता रहे हो अग्रेशन की, बार बार वो अग्रेशन, ठीक है, अग्रेशन कैसे आता है जब चार प्लेयर्स साथ में उस सेम मेंटालिटी में खेले, काफी टाइम तक खेले, उतना भरोसा उतना ट्रस्ट एक दूसरे पे हो, अब तुम जली को सबने पैसिवाइजल, भाई ब्रो दैट इज आई थिंक जली इज पॉइंट टू स्पीक, जिस दिन जली अच्छा करेगा, जिस दिन जली को बात करनी होगी उस पे वो बात करेगा, बीजेएमएस में मैंने लिटरली एडमिन पंख हर जगह से पूछा क्या सच्ची में मतलब जली के वजह से था, उन्होंने स्टेट मना किया, अगर झूठ है तो उनसे ही पूछ लो यार, उनसे ही पूछ लो, अगर मैं कुछ मतलब उनके खुद के प्लेयर्स मना कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि नहीं, तुमने अपने अपने अलग अलग असम्पशंस लगा दिए, सोचो चलो मेरे को तो ठीक है बोल दिया उस प्लेयर, मगर मेरे को 10% हिट आ रहा था, उस प्लेयर को 80-90% कितना हिट आया, ठीक है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, हर प्लेयर के लाइफ में, हर स्पोर्ट्स प्लेयर के लाइफ में एक स्लंप है, जली का भी चला, जॉनी का भी चला, जी गॉड नहीं हो सकता, एक स्लंप चला, सबका एक डाउनफॉल आया, हम लोग ऐसे हैं कि भाई 2018-19 से लेकर आज के डेट पे भी टॉप ऑफ द गेम पे चल रहे हैं, बहुत कम गिने चुने लोग, एंड दैट रिक्वायर्स एक्सट्रीम डिसिप्लिन, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है, एंड टू फॉर जॉनाथन कंसीडरिंग वो अपने स्ट्रीम्स ये वो कंटेंट क्रिएशन और दो चीज माइनस कर रहा, मैंने उसकी तारीफ भी हमेशा करी है, कब नहीं करी है ये बताओ भाई, कौन सी बात है, हाँ जली पे, वापस जली पे, बहुत लोगों ने बोला कि जली बहुत, अरे भाई साहब अभी ओआर स्पोर्ट्स तुम बोलते हो कि पुराना मेटा था ये था, भाई जली के जब आईजीएल था ना ओआर के, तब के भी स्टार्ट निकाल लो ना, क्या फिनिशेस कम थे उनके, मतलब स्टार्ट पर बात करो ना, जाओ देख लो क्या फिनिशेस कम थे, सिर्फ 15 पॉइंट्स ब्रो, ही वाज लिटरली टेकिंग द फॉल, तुमने देखा उसकी हंसी कैसे चली गई थी एक पॉइंट पे, सोचो ये चीज, एक प्लेयर को किस हद तक तुमने स्लेज किया, मैं जब क्रेवन ने आया था मेरे को बुलाया था अपने स्पेस पे, ठीक है, एक दिन कौन सा दूसरे वाले स्पेस पे चला गया था, ठीक है, वहां पे भी मैंने बात करी थी, तो इन्होंने तब फिर बोल दिया कि नहीं भाई वो पिक्सेल भाई तो सिर्फ उस स्पेस में जाते, फिर ठीक है मैं स्पेस पे भी आ गया, स्पेस पे भी आ गया, और फिर तब मैंने बात करी, और पूछ लेना अपने क्रेवन से, पूछ लेना तरीके से पूछना कि उस दिन मैंने कोई भी आंसर को ऐसे डॉज किया जो उनके रिलेटेड था, जो मतलब टीम के रिलेटेड था, या फिर कोई खराब एडवाइस दी हो, या जितने भी स्पेसेस मैंने उनके अटेंड किए हैं, मैंने क्या बोला था, आप इज्जत से पूछोगे, मैं इज्जत से जवाब दूंगा, हाँ कि नहीं, देन व्हाई नॉट ऑन स्काउट मावी, सुन मेरी बात काउंटरली, तू तो हर जगह हेट फैलाता है, तेरा जिंदगी का एजेंडा यही है, और तू मना मत करियो, जब 3-4 लोग भी आके ब्लैक में फूकों देखते हैं ना, तू उस चीज का भी क्लिप लेके जाता है, मैं हंसी मजाक में लेता हूं, दैट डजंट मीन दैट यू गेट ऑन माय हेड, यू गेट इट, सिंपल बात है, यू डोंट टेक एनीबॉडी फॉर ग्रांट, मैं कभी कभार कुछ नहीं अगर बोलता, दैट डजंट मीन तू मेरे सर पे चढ़ जाओ, ठीक है, स्काउट मावी पे मैंने ऑलरेडी अपने स्ट्रीम पे बता दिया कि दिस थिंग आई डू नॉट रियली आई कंडोन इट, मुझे नहीं पता पसंद था जो हुआ है, कि ये चीज जो बंद कमरे में हो सकती थी बाहर क्यों आई, ठीक है, इसके ऊपर क्या मैं नारा पोस्टर वोस्टर लगाऊं पूरा ऐसे स्ट्रीम पे ये दिखाऊं, बताओ चीज, अगर आई थिंक क्या नाम है एडमिनो भी घर पे आया था, ठीक है, उसको आई थिंक उनका एक्सट्रीम करना था उस दिन भी ये चीज आप एडमिनो से भी पूछ लेना, ठीक है, एडमिनो से भी पूछ लेना, उसी दिन भी मैंने पूछा मतलब क्या इश्यूज चल रही है, क्या नहीं है, मतलब क्या सच्ची मेरे को ऐसा लग रहा है कि जली रियलमी प्रॉब्लम था, आप एडमिनो से भी ये चीज पूछ लेना, ठीक है, एडमिनो खुद बताएगा कि देखो एक्सिस भाई मतलब ऐसे एज आईजीएल वो कुछ मतलब गलत नहीं खेलता या कुछ नहीं है, बस हाँ उसकी गन स्किल्स थोड़ी सी वीक हो गई थी, उसके ऊपर वो काम कर रहा है, और अगर वो अच्छा कर ले तो अपने अच्छे वापस से वो पीक पे आ जाएगा, उसका स्लम चल रहा है, दैट्स इट।